महाराज अब हमें अनुमति दीजिए, हर दिन देवदास से कोई ना कोई समस्या का संदेश आ रहा है। कुछ दिन और रुक जाते हैं। ना महाराज, नहीं, सिद्धार्थ की राह देखते देखते 2 माह हो गए, अब मैं अनुमति चाहूंगा। मां, आप मेरी चिंता ना करें, मेरे साथ मेरी मां है और मेरे पिता मुझ पर जान न्योछावर करते हैं। कैसी विवशता है ये? आप मन छोटा ना करें अमिता दीदी, पूरा विश्वास है वो अवश्य लौटेंगे। मुझे तो लगा माँ की धूल मेरे बच्चनों को मिटाती जा रही। भला हो मगन नरेश का कि उन्होंने हमें बताया कि आप इस वंश मुनि उदाकारमा पुत्र के आश्रम जा रहे। पहले सांस में सांस तो ले लीजिए। मेरी जान में जान आ गई आपको देख। युवराज मेरी नहीं, सबकी यही दशा। आपकी प्रिय प्रजाजन आपके वियोग में तड़प रही है। आपके प्रियजनों का तो पूछिए ही मत। मैं आपको कपिल वस्तु ले जाने आया। असंभव। महाराज शुद्धोधन ने कहा कि आपके साधना में कोई बाधक नहीं बनेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। आपकी आज्ञा हो तो वहां आपके लिए आश्रम बनवा दिया जाएगा। आपके पावन दर्शन से प्रजाजन को संतोष होगा, आपके परिवार के लिए। नहीं अमाते, अब वापस चले जाए। युवराज आपके लिए देवी यशोधरा ने इसे कमल का फूल भेजा। क्या कहा देवी यशोधरा ने? कहा कि यह कमल का फूल उनकी या राहुल की स्मृति का प्रतीक। आपको कपिल वस्तु वापस लाने का प्रण तो पूरा ना कर सकूंगा, बस इतनी कृपा कीजिए। देवी यशोधरा की विनती ना ठुकराइए। देवी यशोधरा ने आपसे आपकी स्मृति का कोई प्रतीक क्षा में मांगा है और कहा है आपकी प्रतीक्षा में हर क्षण आंखें बिछाए बैठी। अब मेरे पास देने को क्या बचा? आप इसे ही देवी यशोधरा को मेरी निशानी के रूप में दे दीजिए। ये कमल का फूल आप अपने पास रख लीजिए, मैं दूसरा कमल का फूल लेकर आता हूं। नहीं अमात्य, नहीं, आप इसे अपने साथ ले जाइए। यदि मैं इसे अपने पास रखूंगा तो स्नेह की डोर सदैव मुझे कपिल वस्तु से बांधे रखेगी और देवी यशोदा से कहिएगा मैं उनके पास अवश्य लौट कर आऊंगा। चप्पा चप्पा छान मारो, देखते हुए चलो।
जाएगा तो जाएगा कहां? सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ को अगर हम ढूंढ पाते तो अब तक ढूंढ लिया होता। वो पैदल आए और हम घोड़ों पर, अभी तक नहीं मिले। मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए। चाहे पूरे वन को जला के भस्म ही क्यों ना करना पड़े, और मुझे सिद्धार्थ चाहिए। चलो। सिद्धार्थ गया तो गया कहां? उसे धरती निकल गई या आसमान खा गया? पिछले 15 दिनों से हमने सारे मार्ग छान मारे, अब किस ओर जाना है कुमार? अमर से दक्षिण की ओर से गया है। वापस मुड़ो, अब हम मगध की ओर से जाएंगे। जो आ गया हो ना हो, सिद्धार्थ हमें वहीं मिलेगा। अब एक बार से दो शिकार, सिंहासन भी मेरा और यशोधरा भी। मैं जब भी इन पंछियों को देखती हूं मुझे तुम्हारी याद आती है यशो। तुम्हारी दशा भी इन्हीं की तरह है। आजीवन पड़ी रहोगी महल में इन्हीं पंछियों की तरह। आप कहना क्या चाहती हैं मंगला काकी? यशोधरा, एक स्त्री का अपने पति के सिवाय और कौन सहारा? और फिर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को क्या पता आने में कितने वर्ष लग जाए। महाराज और महादेवी के सहारे ये वर्ष भी कट जाएंगे। यही भूल तो तुम कर रही हो यशोधरा। अब देखो, महाराज कुछ ही दिनों में राजकाज में व्यस्त हो जाएंगे और तुम्हारी प्यारी माता प्रजापति नंद का जीवन संवारने में तुम्हें भूल जाएंगी। तुम्हें अपने माता पिता के साथ देवता चले जाना चाहिए था। मेरी मानो तो इस पंछी की तरह उड़ जाओ। इस मूक पंछी ने भी आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया मंगला काकी। ये पंछी भी कुछ देर बाद वापस लौट आते हैं, क्योंकि ये स्नेह को समझते हैं। आप और मैं तो फिर भी मनुष्य हैं। मैं तो तुम्हारे भले के भले का मेरे सास ससुर को सबसे अधिक ध्यान। इस महल में यदि सन्नाटा छाया है तो इसकी पीड़ा मुझ अकेली को नहीं, मेरे माता पिता भी अपने पुत्र के वियोग में जल रहे हैं, एक दूसरे का धाड़स बांधे जी रहे हैं। हम तीनों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयत्न ना करें। सहानुभूतिवश कह रही थी मैं तुम्हें। और फिर एक समय मैंने ही तुम्हें देवदत्त के लिए चुना था। इसी सहानुभूति किस काम की मंगला काकी, जो अपनों को एक दूसरे से अलग करने की बात करे। आप दोबारा मुझसे ऐसे जाने की बात ना करना। अरे तुम्हें कपिल वस्तु से भेजना मेरे लिए अति आवश्यक है। तुम्हारे रूप का पागल है मेरा पुत्र देवदत्त। चलो,
ये घुड़सवार इतनी गति से आ रहे थे, अवश्य ही तुम्हें कुचल देते। अच्छा हो गया तुम मिल गए। हम सब कपिल वस्तु लौटने ही वाले थे देवदत्त। बिना सिद्धार्थ से मिले? इसने कहा हम युवराज सिद्धार्थ से नहीं मिले। तो क्या कहा सिद्धार्थ ने? युवराज सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु लौटने से मना कर दिया। भाई की हत्या का मुझे कोई संकोच नहीं होता। भाग्यशाली हो सिद्धार्थ, स्वयं मेरे रास्ते से हट गए, नहीं तो आप कहां खो गए? सिद्धार्थ ने कहा कि वो कपिल वस्तु नहीं लौटेगा, किंतु उसका मन बदल भी तो सकता है। नहीं, उनका संकल्प अटल है। ये देखिए, देवी यशोधरा का दिया ये कमल का फूल भी उन्होंने लौटा दिया। कहने लगे यशोधरा की स्मृति की अंतिम डोर भी उनके रास्ते की बाधक न बन जाए। आ गए, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। गुरुवर कौंडिन्य, गुरुवर कौंडिन्य, युवराज सिद्धार्थ। केवल सिद्धार्थ, उस युवराज को बहुत पीछे छोड़ आया। यही वो ज्योतिर्मय सिद्धार्थ है जिसके बारे में आप सबने मुझसे सुना है। तो लहर किनारे से टकराकर सागर की ओर आ ही गई। कहां से उठती है ये लहर? सागर से। सागर गहन में तो अंततः शांत है, एक तरंग भी वहां नहीं उठती। तुम्हारे प्रश्न मुझे पहले भी चकित करते थे सिद्धार्थ, और आज भी कर रहे। ज्ञान के मार्ग में पहला पग है सही प्रश्न पूछना। परम ज्ञान से अब भी बहुत दूर हूं मैं। तुम्हारे मन की पिपासा तुम्हें इतनी दूर लेकर आएगी ये कल्पना नहीं की थी। महाराज शुद्धोदन की चेष्टा के विपरीत वही हुआ जो होना था। मुझे जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति के मार्ग की खोज है, और यही तृष्णा मुझे गुरुवर्य आचार्य अलार कलाम के पास ले गए। उनसे मैंने सांख्य शास्त्र और ध्यान मार्ग की दीक्षा ली। अब आगे की यात्रा के लिए मैं गुरुवर्य उद्रक रामपुत्र के यहाँ आया हूं। अब हमारे नए परिचय की यात्रा की शुरुआत होगी। अब तक हम गुरु शिष्य थे, पर अब गुरु भाई बन गए। तो क्या आप भी उत्तर ग्राम पुत्र के शिष्य हैं?
तो कृपा कर मुझे उनके पास ले चली। उन्हें उद्रक रामपुत्र के पास तुम्हें ले जाऊं इतना सामर्थ्य नहीं है मेरा। अब यहां तक आ गई हो तो आगे की यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होगी। सिद्धार्थ सोच लो, उसके बाद पलटने का कोई रास्ता नहीं होगा। पलटने के लिए इतने दूर नहीं आया मैं। वो देखो, वो जो सामने वाली गुफा है वहीं पर मुनि उद्रक रामपुत्र साधना कर रहे हैं। उन्होंने जीवन के 70 वर्ष से अधिक समय साधना के लिए समर्पित कर दिए। वो मौन रहते हैं। शिष्य यदि योग्य हो तो गहरे ध्यान में आकर उसे ज्ञान देते हैं। जो परम ध्यान साध ले उसी को मिलते हैं गुरु के दर्शन। किसने तुम्हें यहां आमंत्रित किया? मेरी तृष्णा ने। वो क्या है जो तुम्हें यहां खींच लाया? जीवन की ऊर्जा। तुम्हारे विचार नहीं लाए? विचार सागर पे उठते लहरों के समान। सागर लहरों से अछूता ही होता है, अनुभव है इसका मुझे। जीवन क्या है? रहस्य। आकाश गंगाओं के पार भी वही और तुम्हारे मन के अंदर भी वही, जिसे ना समय बदल सकता है और ना ही मिटा सकता है। फिर दुख क्यों? जीवन की अनिश्चितता ही दुखों का कारण है। इस अनिश्चितता के पार कैसे जाए? उस सत्य की अनुभूति से जो अचल अमर अविनाशी है। काल अनगिनत चक्रों में घूमता है, चक्रों में घूमता है, चक्रों में। तब जाके कहीं औदुम्बर का फूल खिलता है, वो चेतना जन्म लेती है, चेतना जन्म लेती है, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी। मेरे यहो भाग्य कि तुमने मुझे गुरु स्वीकार किया। Thank you.
अद्भुत। कह रहे ध्यान में गुरु उद्रक रामपुत्र मुझे हिमालय की चोटी पर मिले और उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। अब जब तुम ध्यान के शिखर को छू लोगे तो गुरुदेव इच्छा अनुसार तुमसे भेंट करने आएंगे, ज्ञान के द्वार खोलेंगे। मैं अभी ध्यान में बैठ जाता हूं। तुम नहीं बदले सिद्धार्थ, वही पिपासा, पर इस शरीर का कुछ सोचो। आओ तुम्हें कुछ खिला दूं। यशोदा, राजा मितोदन और अमाते लौटा है, कुमार देवदत्त भी उनके साथ है। महाराज, राजा अमितोधन, कुमार देवदत्त और अमित्य पधार रहे हैं। सिद्धार्थ आ गया। महाराज, हम अपने उद्देश्य में असफल रहे। क्या युवराज सिद्धार्थ नहीं मिले? युवराज सिद्धार्थ मिले पर उन्होंने कपिलवस्तु लौटने से मना कर दिया। निर्दयी है वो जो तुम्हारे मोतियों जैसे आंसुओं का मोल नहीं समझ सका। जिसके लिए तुमने अपने श्रृंगार को भी नोच फेंका, वो उसने तुम्हारे दिए हुए कमल का भी आदर नहीं किया। भूल गया है वो तुमको यशोधरा, भूल गया है जिसके जिसके प्रेम की अग्नि में तुम अपना जीवन जला रही हो ना। उस दौर थी वो निर्दयी केवल अपनी शांति के पीछे दौड़ रहा है। सिद्धार्थ से स्वयं मिले थे तो और क्या, ये उसी ने तो मुझे दिया है, स्वयं सिद्धार्थ ने। ये कमल का फूल आपके हाथों में कैसे? ये तो कल रात में चोरी हो गया था। कुमार देवदत्त ने मुझे दिया। मन में शंका जागी कि सिद्धार्थ देवदत्त से मिले तो युवराज से केवल मैं मिला। आप ऐसे अपना साहस न छोड़े। युवराज के मन में आपके लिए अपार स्नेह, उनकी आंखों में दुख के जो आंसू उभरे वो मैंने देखे।
युवराज ने आपके लिए संदेश भेजा। उन्होंने कहा देवी यशोधरा से जा कहिएगा उसके पास मैं अवश्य लौटूंगा। देने को उनके पास कुछ ना था इसलिए ये कमल का फूल अपनी ओर से आपको देने को कहा। बस इसके आगे कुछ ना कहें। उन्होंने इस फूल को स्पर्श कर लिया। मेरे मन के लिए ये सहारा बहुत है। आप आओगे मुझे विश्वास है और मुझ तक पहुंचने से पहले ना जाने कितने कठिन रास्तों से निकलोगे। बस यही सोचकर मन रो उठता है। यदि परम सत्य है तो वो कहां है? हर चक्र के केंद्र में जैसे कील घड़ी होती है और वो उस चक्र को घुमाती है परंतु स्वयं कभी नहीं घूमती स्थिर ही रहती है। यदि चक्र ही ना तो कील भी नहीं होगी। अनंत चक्र घूम रहे हैं चारों ओर असंख्य केंद्र बिंदु हैं हमारी सृष्टि से छुपे हुए असंख्य केंद्र बिंदु। चाहो तो इसे आत्मा कह लो। बीच से भी छोटे और अनंत से भी विशाल सारी सृष्टियों को चादर की तरह ढके हुए पर इस हाथ में भी समा सकते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी हथेली में ही है। इस फूल को देखो। फूल को कैसे पता कि उसे कब खिलना है? विचार के बहुत आगे ज्ञान का द्वार है। ये जो मन डोलता रहता है ना उसे शांत करो। खाली हो जाओ। विचारों से मुक्ति की आशा से प्रश्नों से और फिर अपने सोने मंदिर में अपने दिए को जलाओ और स्थिर बैठो। सब डोले परंतु तुम ना डोलना। अपने समग्र शरीर से सांस अंदर लो। रुको देखो क्या हो रहा है। अपने समग्र शरीर से उस सांस को छोड़ दो। अपनी हथेली खोलो। स्वीकार भाव से जो आ रहा है उसे आने दो। अपनी सांस पर ध्यान रहे और अंदर जाओ। डूब जाओ सिद्धार्थ निर्भय होकर। Thank you.
अब तुमने स्वयं अनुभव किया है। अनंत ही शाश्वत है और शरीर के हर कण में एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। यदि अनंत ही शाश्वत है तो वो मुझे नहीं दिखा, मुझे तो केवल नश्वरता ही दिखी। वो तुमने चुना है, तुम जिस गहन में हो वही तो देख पाते हो, परंतु द्वैत तो कहीं है ही नहीं। जीवन के सत्य के पीछे छुपे इस रहस्य को जानने के पश्चात जन्म मृत्यु पुनर्जन्म केवल एक खेल ही तो है। पर जीवन की जिस ऊर्जा ने मुझे आपके समक्ष ला खड़ा किया, जिसे आप आत्मा कहते हैं, वही इस चक्र के पीछे? हाँ। मैं उसको ना देख सका। तुमने उसका नृत्य देखा, अनश्वरता का नृत्य, या जिसे तुम अनिश्चितता कहते हो उसका नृत्य। अब ध्यान में उस बिंदु पर जाओ जहां जो देख रहे हो और जो घट रहा है वो दो नहीं एक हो जाते हैं। शिष्य यदि योग्य हो तो गहरे ध्यान में आकर उसे ज्ञान देते हैं। जो परम ध्यान साध ले उसी को मिलते हैं गुरु के दर्शन। सेनापति बांदुल तुम? आप मुझे क्षमा कर दें युवराज सिद्धार्थ, मैं तो केवल आज्ञा का पालन कर रहा था। कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत के आदेश पर ही मैं आपको यहां मारने आया। इस तरह वो अपना प्रतिशोध लेना चाहते थे आपसे। मुनिवर आप मुझे क्षमा कर दें, युवराज सिद्धार्थ की ओर अब मैं तुम्हारा आंख भी उठाने की हिम्मत करूं तो मैं अंधा हो जाऊं, अंधा हो जाऊंगा। इसे क्षमा कर दे गुरुवर। Thank you.
अब तुम कौशल लौट जाओ बांदू। आप हम सामान्य मनुष्य जैसे नहीं। दो बार मैंने आप पे आक्रमण किया और आपने दोनों बार मुझे जीवन दान दिया। इतनी अपार दया मुझ जैसे व्यक्ति पे, मुझ जैसे व्यक्ति पे युवराज। तुम मुझे मार देते मैं, पर जो मर नहीं सकता उसे तुम भी नहीं मार पाते। अब तुम वापस लौट जाओ। आज मुझे पता चला गुरु माता भी होती और पिता भी। अब भी प्यास है हाँ गुरुदेव, जीवन के इस खेल के पीछे जो अविनाशनीय सत्य है, क्या उसे मैं देख सकता हूं? क्या उससे मैं एक हो सकता हूं? इस अतः दुख के सागर का वहां ही कोई उत्तर मिलेगा। मैं जानता हूं उस शाश्वत सत्य से एक हुआ जा सकता है, किंतु मैंने अनुभव नहीं किया। इसके आगे मुझे नहीं पता। कोई ध्यानी मुझे उस अंतिम चरण तक ले जा सकता है? यदि मुझे पता होता तो मैं उस ध्यानी के चरणों में ना बैठा होता। मुझे आज्ञा दे गुरुवर। जाओ सिद्धा, जो मेरे पास था वो अब तुम्हारा है, और जो तुम पाओगे उससे केवल तुम्हारे मोक्ष का ही नहीं अपितु सारी मानव जाति के मोक्ष का द्वार खुलेगा। उद्रक रामपुत्र ने मुझे जाने की आज्ञा दी, अब आप भी मुझे जाने की अनुमति दें। अब किस ओर जाओगे? दंग श्री पर्वत की ओर। जब गुरुदेव कहते हैं कि सब माया है तो हम अपने बुद्धि से ही समझ पाते। आज तुम्हें जाते देख मन में इतना मोह उठ रहा है। 15 दिन में तुम्हारे प्रेम से वशीभूत हो गया मैं सिद्धार्थ। अब ये है माया का खेल, और इस माया से छूटने में न जाने कितने जन्म लग जाए। ये माया ही असीम दुख के हृदय में कुंडली मारे बैठी। जीवन के पीछे जो ऊर्जा है उसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, पर उस ऊर्जा के पीछे क्या है इसका उत्तर पाने के लिए अब मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, पर मैं अपने मार्ग पर अटल रहूं। ऐसा आशीर्वाद दें आप मुझे। ज्ञान की खोज में मैं तुमसे बहुत पहले आया, पर तुम मुझसे आगे बढ़ गए सिद्धार्थ। चरण छू लेने दो मुझे।
शिष्य गुरु से अधिक कभी नहीं हो सकता। मेरी युवा अवस्था, मेरे अंतर के दिए को सर्वप्रथम आपने प्रकाशमान किया। जीवन के भेद में परम सत्य है, और उस तक पहुंचने वाले सिद्धार्थ का नाम उस सत्य की तरह अमर, अजर और अविनाशनीय बना रहे। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।